भारत बंद का भोपाल में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। किसान संगठनों ने चूना भट्टी चौराहे पर चक्का जाम की कोशिश की। किसान संगठन ने सड़क पर वाहनों को खड़ा करके सड़क को ब्लॉक कर दिया और किसान सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान किसानों ने मोदी सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। विरोध कर रहे किसान नेताओं से बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। किसानों का आंदोलन आग पकड़ने लगा है, पूरे देश में इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो किसान है वो यही कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो 3 नए कृषि कानून लेकर आए गए हैं उसको वापस लिया जाए और उससे हम कम चाहते नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी भोपाल के इस वक्त हम चूना भट्टी चौराहे पर मौजूद है। यहाँ पर ट्रक और जीप की मदद से रास्ते को जाम कर दिया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के द्वारा ये पूरा ही यहाँ पर ब्लॉकेज किया गया है, चक्का जाम किया, और ये की मांग कर रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो अन्नदाता की मांग सुनी जाए और मोदी सरकार के द्वारा जो मनमानी की जा रही है उसको वापस लिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राहुल, क्या कहोगे, सड़कों पर बैठे हैं किसान, दिल्ली की बात हो, पूरे देश भर में कैसे दृश्य आम हो गए हैं? देखिए, हम लोग दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, मध्य प्रदेश के किसान मेरे साथ, ये सभी साथी रायसेन विदिशा के थे, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री कहने पे लगे कि मध्य प्रदेश के किसान का दिल्ली आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम वही जवाब देने आए कि साहब, हमारा पूरा लेना देना है। अगर हम दिल्ली में बैठ सकते हैं तो मध्य प्रदेश की जो पवित्र भूमि है वह भोपाल में बैठ सकते हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि इस कानून के बहुत फायदे हैं तो हम आ गए सड़क पे बैठ के, आमने सामने गिनाते हैं वो फायदे गिनाए, हम नुकसान गिनाते हैं। बैठ के खुले मन से बात करें ना, टीवी पे बैठ के कह देने से किसान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी और कर क्या रही है। इस देश में आज अन्नदाता की हालत हो गई कि उसे पोस्टर लगा के कहना पड़ रहा है कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई एम अ फार्मर। ये दुर्गति आपने देश में अन्नदाता की कर दी है। और एक से एक घटिया टिप्पणी आईटी सेल उनका बीजेपी का कर रहा है। इस बात से आहत हो कि यार, मध्य प्रदेश का किसान यहाँ बैठा है, हम शिवराज सिंह जी से और कमल पटेल जी से पूछने आए हैं कि क्या फायदे हैं उस कृषि कानून के, और एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं देते, 52 बोनस बंद क्यों कर दिया है, अतिवृष्टि का मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो, ये सारे सवाल उनसे है। हमारा मक्का 800 रुपए बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। आपको लगता है ये लोग भ्रमित हैं? आज इंटेलिजेंस वाले इस बात से चकित हो रहे हैं कि चारों तरफ बैरिकेटिंग होने के बाद जब आपकी 30 ट्रॉली विदिशा में रोक दी, 20 ट्रॉली रायसेन में रोक दी, फिर भी आप यहाँ कैसे आ गए? वो हंस रहे हैं सोच सोच के, वो अपने जूनियर अधिकारी को डांट रहे हैं। जब हम सरकार की इतनी बड़ी आईबी डीएसबी इंटेलिजेंस को फेल कर सकते हैं तो आपको लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं, समझदार नहीं है? इस सरकार जो है अपनी खामी छुपाने के लिए किसानों को आप कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं, उनको भड़कलाया जा रहा है। ये चौथी पीढ़ी है आजाद हिंदुस्तान की। मैं खुद स्वयं इंजीनियर हूँ, खेती किसानी से जुड़ा मेरा पूरा परिवार खेती करता है, 35 बीघा का किसान हूँ। तो अब हमें ये सिखाएंगे कि कानून की खामी क्या है क्या नहीं है? संशोधन या कानून रद्द हो? देखिए, संशोधन के लिए सरकार के पास पर्याप्त बार 5-5 बार बैठक हुई, लेकिन सरकार जो है केवल बातें सुनती है। पिछली दफा मीटिंग में ये होना पड़ा कि हमें यस और नो में उनसे कहना पड़ा कि भाई आप सीधा बता दीजिए वापस लेंगे। अब वो समय जा चुका है जब संशोधन की बात थी, अब किसान सीधा कह रहे हैं पहले आप इन 3 कानून को वापस लो, एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, इसके बाद आगे कोई बात होगी। बिल्कुल, ये जो सारी मांगे थी ये राहुल ने बताई, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर हैं और ट्रॉली लगा के इस पूरे ही रास्ते को यहाँ से जाम कर दिया है। बाकायदा सड़कों पर बैठे हैं और मांग की जा रही है कि पहले तो सरकार के द्वारा ये 3 कानून लिए गए हैं उनको पूरी तरीके से रद्द किया जाए, रद्द करने के बाद एमएसपी गारंटी कानून लेके आ जाए, उसके बाद सारी बातें की जाएंगी। और जो ट्रैक्टर्स हैं इन पर लिखे हुए हैं, बैनर पोस्टर लगे हैं कि मत करो अत्याचार, अन्नदाता की सुनो पुकार। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के द्वारा इंटेलिजेंस के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही थी कि राजधानी भोपाल में इस तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो, किसी भी तरह के जो किसान हैं वो ब्लॉकेज ना करें, लेकिन सबके बावजूद किसान राजधानी भोपाल के अंदर तक आए, रास्ता उन्होंने जाम कर दिया है, ट्रैक्टर टोला के रास्ता जाम करके वो सड़कों पर बैठे और एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार अन्नदाता किसान को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। और उसके साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जो परिणाम है वो गंभीर होंगे, सरकार को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।